Hey everyone, I hope आप सब अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है रुंटी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने बालों की इंटरनली केयर कर सकते हैं। मेरे पिछले सारे वीडियोस में मैंने बताया है कैसे आप एक्सटर्नली अपने बालों की केयर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने हेयर हैक्स, चैलेंजेस, बहुत सारे वीडियो शेयर कर दिया है। लेकिन बालों की एक्सटर्नली केयर करना जितना जरूरी है उतना ही इंटरनली केयर करना भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे टिप शेयर करूंगी जिससे यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेयर इंटरनली टू मेक देम ग्रो फास्टर। आई होप कि मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, सीधा चलते हैं वीडियो में। सो माय फर्स्ट टिप इज ड्रिंक इनफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड। अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो एटलीस्ट हेयर फॉल तो नहीं होगा। और अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम है उस वजह से भी काफ़ी हेयर फॉल होता है तो वो भी नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम पानी पिए और बॉडी को हाइड्रेट रखें। एंड माय सेकंड टिप इज गेट इनफ स्लीप एंड बी स्ट्रेसलेस। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इतना हेयर केयर, स्किन केयर करते हैं लेकिन मेन चीज भूल जाते हैं, जैसे कि इनफ स्लीप लेना। लैक ऑफ स्लीप हमारे मूड को चिड़चिड़ा कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और आपको सही टाइम पे नींद नहीं आती है तो रात को 10 बजे से पहले अपने सारे डिवाइसेस को बंद कर दीजिए और आप मेडिटेट कर सकते हैं या फिर आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि बुक से कितनी ज़्यादा नींद आती है। अच्छी नींद आएगी, प्रॉपर स्लीप होगी तो हेयर फॉल प्रॉब्लम यूं भाग जाएगी। अगर आपने हेयर फॉल और हेयर लॉस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं तो 7 से 8 आवर्स का डीप स्लीप ले। मेरा थर्ड टिप है बूस्ट योर विटामिन इनटेक। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारी बालों को भी कुछ स्पेशल विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बालों में कैरेटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे हमारे हेयर हेल्दी हो जाते हैं। मैं रिसेंटली एक डिलीशियस और हेल्दी बायोटिन गमीज ले रही हूँ जो गॉर्जियस हेयर और नेल्स पाने में हेल्प करेगी। ये है पावर गमीज, विटामिंस फॉर गॉर्जियस हेयर एंड नेल्स। इसमें जो जो विटामिंस यूज किए गए हैं वो है विटामिन ए, सी, डी, ई, B6, B12। विटामिन ए, ये डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करती है, स्किन में मॉइस्चर बैलेंस को सही रखती है, हेल्दी स्किन एंड स्कैल्प के लिए बहुत इफेक्टिव है। विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है जो हेयर ग्रोथ और हेयर को स्ट्रेंथन बनाने में हेल्प करती है। और है विटामिन ई जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। एंड विटामिन B12 ये रेड ब्लड सेल जनरेशन को प्रमोट करती है जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ बूस्ट होता है। एंड विटामिन डी, ये ब्लड में ऑक्सीजन सर्कुलेशन को मेंटेन करता है फॉर हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स। एंड लास्ट इसमें है विटामिन B6, ये हेयर और स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ये DHT को ब्लॉक करता है और हेयर लॉस को रोकता है, न्यू हेयर फॉलिकल्स बनाने में मदद करता है। इतने सारे बेनिफिट्स इस छोटे से गमी में, मैं तो रेगुलर कंज्यूम कर रही हूँ। ये जो रैबिट शेप गमीज है ये बनाया गया है बेस्ट इंग्रेडिएंट से एंड आर सर्टिफाइड बाय FSSAI फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। इसमें है बेरीज फ्लेवर। एक दिन में 2 गमीज लेना है फॉर मिनिमम ऑफ 90 डेज टू बूस्ट हेयर एंड नेल्स ग्रोथ अलॉन्ग विद ग्लोइंग स्किन। तो जल्दी से प्रोडक्ट को परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है एंड फील द डिफरेंस। टिप्स नंबर 4 है अपने नेल्स को 10 से 15 मिनट्स तक रब करें ऐसे, ये आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। मेरा फिफ्थ टिप ये है मेडिटेट एंड एक्सरसाइज डेली। गाइस आप सबको पता ही होगा कि योगा आसना से हमारे शरीर स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको हेयर फॉल होती है, हेयर ग्रोथ रुक गई है तो इसके लिए भी कुछ अलग आसना है। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रुकी हुई हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई DIY का तामझाम कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर इवनिंग में जब आप फ्री हो तब आप हर रोज़ आधे घंटा अपने लिए निकालिए और उस टाइम पे आप योगा कीजिए। अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए या फिर आपके शरीर में कोई दूसरा इशू है, अगर इशू नहीं भी है तो भी आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आपको जरूर चेक करना, मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। मेरा टिप्स नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर डाइट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हम हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर डैमेज, हेयर ग्रोथ ना होना, ये सब प्रॉब्लम को फेस करते हैं।
हमारे जो हेयर है एक कैरेटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए अपने डाइट पे प्रोटीन को ज़्यादा करके इंक्लूड करें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन से खाने में ज़्यादा ज़्यादा करके प्रोटीन है। गाइस अब हमें जानना होगा कौन से खाने में प्रोटीन है। तो हम लोगों का यही सोचना है कि सबसे ज़्यादा नॉन वेज में ही प्रोटीन है। ये बात सही है कि चिकन, एग्स, फिश में ज़्यादा करके प्रोटीन है, बट कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन भी पाया जाता है। मिल्क, पनीर, बटर, बहुत सारे दाल में, बीन्स, ब्रोकली और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमें बस उसको अपने डेली डाइट पे इंक्लूड करना है। हमारे हेयर सन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसलिए अपने डाइट पे विटामिन ई भी ऐड करें, जैसे कि नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ों में विटामिन ई काफ़ी होता है, तो इन्हें अपने डेली डाइट पे आपको इंक्लूड करना है। द लास्ट एंड टिप्स नंबर 7, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड स्कैल्प मसाज। अगर आप सर को नीचे की तरफ बेंड करके स्कैल्प में मसाज करते हो तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उस सर की तरफ आता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनते हैं, इससे हेयर फॉल कम हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाता है। इसे आपको वीक में कम से कम 3 दिन करना है। आप दिन में भी कर सकते हो या फिर आप रात को सोने से पहले अगर इसको करते हो और स्कैल्प में मसाज करते हो, इसे स्ट्रेस भी चला जाता है और बहुत अच्छी नींद भी आती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको ये स्कैल्प मसाज करनी है। आपको अपने पूरे हेयर को सामने की तरफ ऐसे रखना है और सर को झुकाए रखना है और स्कैल्प में हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये आप ऑयल के साथ भी कर सकते हो, बिना ऑयल के साथ भी कर सकते हो। जो मेथड आपको सही लगे आप वही फॉलो कीजिए, या फिर आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। ये आपके स्कैल्प को चिपचिपा नहीं बनाएगा बट हेयर ग्रोथ में मदद करेगा। और एलोवेरा में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, अगर आपके स्कैल्प में खुजली या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसे भी क्योर करेगा। इससे आपकी नींद भी अच्छी आएगी। आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं करना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट्स तक ही कीजिए, बट इसको रेगुलर कीजिए। अगर हो सके तो डेली नाइट में, या फिर आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको ज़रूर करें, तो आपको कुछ ही दिनों में विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पिछले 2 साल से मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है इससे। ये मेरे नाइट हेयर केयर रूटीन का मेन पार्ट है। एंड जिन जिन लोगों को बहुत सारे रेमेडीज से रिजल्ट नहीं मिले हैं, वो इस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए, मुझे लगता है आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।